डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री अमरेश कुमार जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, वाइस एडमिरल कमांडिंग इन चीफ पश्चिमी नौसेना श्री दिनेश के त्रिपाठी जी, जनरल कमांड ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राज सुब्रमणी जी, प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव पर्यटन श्री मुकेश मिश्राम जी, प्रशासन एलडीए के साथ ही सेना, नौसेना, वायुसेना और पुलिस के हमारे पूर्व अधिकारी और कार्मिकगण, और उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, आज लखनऊ के लिए और प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जब हम यहां पर नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना की नींव इस नए उभरते हुए क्षेत्र में विकास की एक नई आभा को सजोए हुए इस सिटी सिटी में आदि गंगा के रूप में विख्यात गोमती नदी के इस तट पर कर रहे हैं। मैं इसके लिए वाइस एडमिरल श्री दिनेश त्रिपाठी जी को और उनकी पूरी टीम को इस पूरे सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज पुलिस स्मृति दिवस भी है। देश की सीमा की सुरक्षा के लिए आज से 64 वर्ष पूर्व लद्दाख में तैनात सीआरपीएफ के जवानों को दुश्मन देश ने धोखे से वहां पर हमला करके उन्हें देश के लिए बलिदान होने का एक अवसर मिला था। उनकी स्मृति में पूरा देश 21 अक्टूबर की तिथि को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाती है। इस अवसर पर देश की सेना, अर्धसेना और पुलिस बलों से जुड़े हुए उन सभी जवानों को जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनका स्मरण करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए पूरा देश उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता है। और यह हम सबके लिए गौरव का क्षण है कि 34 वर्ष तक भारतीय नौसेना की क्षमता में अभिवृद्धि करके उसके सामरिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाले आईएनएस कोमती को जब डी कमीशन किया गया तो वह आज यहां पर इस शौर्य संग्रहालय का हिस्सा बनने जा रहा है। मैं इसके लिए भारतीय नौसेना को, श्री त्रिपाठी जी को और उससे पूर्व जो अधिकारी थे जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में इससे पहले यह हम सबको इस बारे में आश्वस्त किया था कि यह प्रक्रिया अगर आगे बढ़ती है वाइस एडमिरल श्री अजेंद्र बहादुर सिंह जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसके लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना है। यह भारत के शौर्य और पराक्रम का तो माध्यम बनेगा ही,
हमारी युवा पीढ़ी को भारतीय सेना के बारे में, उनके शौर्य और पराक्रम के बारे में जानने का भी एक माध्यम मिलेगा। और साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के उस अभियान को, जो आज मेक इन इंडिया के माध्यम से हम सब देख रहे हैं, इसको भी गति प्रदान करने का एक माध्यम बनेगा। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि अपनी विरासत को और अपने अतीत को विस्मृत करके कोई समाज और कोई राष्ट्र विकास की बुलंदियों को नहीं छू सकता। अतीत सदैव व्यक्ति और समाज के साथ चलता है। अतीत की गौरवशाली क्षण एक नई प्रेरणा होती है, पथ प्रदर्शक होता है, आगे बढ़ने के लिए एक अवसर भी होता है। और यह भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई ताकत का एक नया माध्यम बनेगा। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, जो 2014 के पहले लैंड लॉक स्टेट था, यानी यह माना जाता था कि उत्तर प्रदेश से जल मार्ग के माध्यम से कोई भी वस्तु उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन यह बात की बात थी। मुझे लगता है इसमें सच्चाई नहीं थी। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले हम लोग गांव में सुनते थे कि नौकाओं से जल परिवहन होता था। जब सड़कें इतनी मजबूत, सड़कों का इतना अच्छा संचार नहीं था, ट्रेन का आवागमन इतना प्रभावी नहीं था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन का माध्यम और कोई भी वस्तु के ले जाने का माध्यम नदी या जल मार्ग ही बनता था। और छोटी छोटी नदियों का, यानी उत्तर प्रदेश इस दिशा से बड़ा समृद्ध राज्य है कि पर्याप्त जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। इन नदियों के माध्यम से और इनमें पोटेंशियल को देखते हुए उत्तर प्रदेश आज अपने यहां वाटरवे अथॉरिटी का गठन कर रहा है, स्टेट वाटरवे अथॉरिटी के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है, जिससे हम इसके बेहतर उपयोग के माध्यम से प्रदेश के अंदर जल परिवहन के इस पोटेंशियल का उपयोग करते हुए प्रदेश में किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर सके। और हम सब आभारी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में जोड़ दिया है, जो वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील है, कार्य कर रहा है। यानी लैंडलॉक स्टेट से मुक्त होने का एक माध्यम प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया। अब स्टेट का वाटरवे अथॉरिटी इस दिशा में कार्य करके भारत सरकार की अथॉरिटी के साथ कार्य करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा, तो हम उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को भी आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। दूसरा, इस संबंध में उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण गाथा आती है। साउथ कोरिया आज अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। साउथ कोरिया में वहां का जो राजवंश है, उनका यह मानना है कि उनकी दादी मां अयोध्या की राजकुमारी थी, और उन्होंने उनकी स्मृति में अयोध्या में एक स्मारक बनाने के लिए हम लोगों से अनुरोध किया था, तो हम लोगों ने उनको लैंड उपलब्ध कराई, उनका वहां पर स्मारक भी बन चुका है, जिनको अयोध्या में राजकुमारी रत्ना के रूप में जाना जाता था। और वहां पर क्वीन हो के रूप में साउथ कोरिया में उनको स्मरण किया जाता है, आज भी उनके प्रति बड़ी श्रद्धा का भाव है।
कहते हैं आज से 2000 वर्ष पहले राजकुमारी रत्ना अयोध्या से जलमार्ग के माध्यम से ही साउथ कोरिया पहुंची थी। आप अनुमान करिए 2000 वर्ष पहले भी उत्तर प्रदेश का संबंध जलमार्ग से था। यहां पर सातवाहन, चोल, गुप्त इन सभी राजवंशों की चर्चा हुई, लेकिन हम द्वारिकाधीश को भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का कि जो द्वारिका थी वह समुद्र के अंदर ही थी और उनके पास अपना सबसे बड़ा उस समय का जो परिवहन का माध्यम था वह जल मार्ग का ही नौकाओं का एक बेड़ा था, जिसके माध्यम से उन्होंने द्वारिका को उस समय की सबसे समृद्ध नगरी के रूप में स्थापित कर दिया था। और यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पहले यह कार्य द्वारिका में करके दिखाया था। और फिर समुद्र में कार्य करने का अनुभव तो भारत का बहुत पुराना है। भगवान राम ने तो सेतु बंध का ही निर्माण कर दिया था लंका में जाने के लिए। यह भी तो एक ऐतिहासिक स्थिति थी भारत के लिए। यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है, नौसेना को अपना स्वदेशी चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। और वह कौन सा है जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो चिन्ह स्थापित किया था वही आज भारतीय नौसेना का अपना चिन्ह बना है। भाइयों बहनों, ये गौरव के क्षण होते हैं, हम अपनी विरासत पर, अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति कर सके और उसी स्मृति को बनाए रखने के लिए, उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह नौसेना शौर्य संग्रहालय यहां पर इस सीधी सिटी में 7.5 एकड़ भूखंड में स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैंने यहां पे लखनऊ विकास प्राधिकरण से कहा है कि वह इसी के बगल में देखें एक लगभग 64 एकड़ का यहां पे वेटलैंड है, इसको विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग और सिंचाई विभाग ये दोनों और वन विभाग ये तीनों मिलकर के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। मुख्य सचिव स्वयं इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का तो कार्य करे ही, लेकिन साथ साथ यहां पर उत्तर प्रदेश के वे जवान जिन्होंने देश की आजादी के बाद विभिन्न युद्धों में सीमाओं की सुरक्षा करते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए और विभिन्न राज्यों में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनकी स्मृतियों को बनाए रखने के लिए भी यहां पर एक स्मारक, पुलिस स्मारक के रूप में या सैन्य स्मारक के रूप में प्रदेश के अंदर स्थापित होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को सेना, अर्धसेना और पुलिस के प्रति गौरव और सम्मान का भाव पैदा हो सके। इस प्रकार का कार्य हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा वाइस एडमिरल श्री दिनेश त्रिपाठी जी का और अपने सेंट्रल कमांड के कमांडर इन चीफ श्री लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य जी का, जो आज इस कार्यक्रम में आकर के जिन्होंने इस कार्यक्रम के गौरव को बढ़ाया है और वाइस एडमिरल त्रिपाठी जी तो स्वयं इस कार्यक्रम के लिए ही यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर एक बार पुनः उनको राज्य शासन की ओर से धन्यवाद देता हूं और उन्हें आश्वस्त करता हूं कि जिस विश्वास के साथ नौसेना ने उत्तर प्रदेश शासन को यह INS गोमती उपलब्ध करवाया है, उसकी गौरव और गरिमा के अनुरूप एक शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश शासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ यहां पे बना करके यहां पर विशेष आयोजन को भी आगे बढ़ाने में पूरी मदद करेगा। और मुझे विश्वास है यह उत्तर प्रदेश के वाटरवे की दृष्टि, उत्तर प्रदेश के युवाओं के रोजगार की दृष्टि एक मील का पत्थर साबित होगा। आज के इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं एक बार फिर से नौसेना को
और पर्यटन विभाग को धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आपको शारदीय नवरात्रि की भी और विजयादशमी की भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके आशीर्वाद।